अपने देश में आसानी से पासपोर्ट और पहचान पत्र लोग बन जाते हैं, तो इसमें सबसे हमारी एजेंसियां सबसे ज़्यादा फ्लेवर हैं। ठीक है, ATS बधाई का पात्र है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार से कैसे लोग हैं, कौन से लोग हैं जो इस तरह के पासपोर्ट और जो इस तरह के पहचान पत्र बनवाने का काम कर रहे हैं, जिनकी संलिप्तता पाई जाए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते, और ऐसी एजेंसियां जो देश के लिए खतरा है उन पे नज़र क्यों नहीं बना के रखते हैं। सरकार हर प्रकार से दूसरे को ऊपर आरोप लगा देना ये तो अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन देश के साथ जो खतरा है, देश के साथ जो ये घटिया तरह का व्यवहार एजेंसियां कर रही हैं, जिनके द्वारा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन से लोग ऐसी साजिश रच रहे हैं। कुलदीप राजन जी, आप क्या कुलदीप राजन जी आप क्या बात कह रहे हैं कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां वो घटिया काम कर रही हैं, कम से कम उनकी पहचान तो यहां पर की जा रही है, उनके कई जो नापाक मंसूबे हैं उनको यहां पर बेनकाब किया गया है। पहचान पत्र कैसे बन जा रहे हैं, ये भी सुरक्षा अपने घर की रखवाली तो हमें करनी है ना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी, घर की रखवाली हमें करनी है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर राज्य में जो STF है, जो पुलिस है, उनकी भी तो कई जिम्मेदारी बनती कि ऐसी जगहों पर जांच पड़ताल की जाए। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश की एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, सारे प्रदेश की एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि देश में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार का कोई आतंकवाद पनपने ना पाए। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है मानसू जी, और इसमें लोग कामयाबी पा रहे हैं, एजेंसियां वर्क कर रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इस विषय पर कठोर कदम उठाने चाहिए।